हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह आज फिर से आपके सामने मौजूद हूँ 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के। जैसा कि आप सभी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं जो भी आप तक आपने पढ़ा होगा। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ाया गया है। एंड सभी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया गया है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस है। एंड 100 से ज़्यादा वीडियो टॉप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है एंड वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं। इस तरह आप मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल है, कोई भी ऐसा इतने सारे कॉन्टेंट को फ्री में नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, क्योंकि अभी आपके सामने एमपी टेट तो हो गया है या मध्य प्रदेश खेल शिक्षक में वर्ग 2 और 3 का एग्जाम जल्द ही होगा, उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। एंड यूपी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड और बिहार स्टेट का आ गया है एंड एकलव्य मॉडल स्कूल का, ये सभी का प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। आप किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हों तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि चारों में से विषम कौन है। तो यहाँ पे क्यूबॉयड, नेविकुलर, कैलकेनस, ये तीनों हड्डियाँ दोस्तों नाम एंकल ज्वाइंट यानी कि जो हमारे टखने का, पैर के टखने का जो जोड़ है उसकी हड्डियां हैं, यानी जिसे टार्सल्स बोन कहते हैं। एंड मेटा टार्सल जो है वह विषम है, मेटा टार्सल जो है विषम है, एक अलग है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें अलग कौन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बोसाइट, विटामिन के। तो दोस्तों, फाइब्रोनोजन प्लाज्मा में उपस्थित विटामिन है, थ्रोम्बोसाइट भी है। तो फाइब्रोनोजन एंड थ्रोम्बोसाइट एंड विटामिन के, ये तीनों के तीनों कार्य करते हैं रक्त को थक्का जमाने में। ब्लड प्लाज्मा जो है एक अलग है, ये रक्त का प्रकार है। जैसे कि रक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणी का प्लाज्मा, जो उसके अलावा जो है रक्त कणी का जो है 3 प्रकार की होती है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वीडियो में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि इसमें चारों में से कौन ऑड है, अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पे मलखम्ब, खो खो, आट्या पाट्या, इन तीनों का उदय भारत में हुआ है, बट चौगान यानी पोलो का अलग है यहाँ, क्योंकि इस खेल का उदय भारत से नहीं हुआ बल्कि ईरान, मध्य एशिया से इसका उदय हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें चारों में से कौन अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पे रेद्रा, हुडुडू, सीयू, ये सभी भारत से शुरू हुए हैं एंड गोसीमा जो है यह एक विषम है, यह टेबल टेनिस का प्राचीन नाम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ में रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है एंड नियासिन यानी कि नियासिन जो होता है, जिसे निकोटिनामाइड भी कहा जाता है, निकोटिनामाइड भी कहा जाता है, B3 का रस, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। एंड राइबोफ्लेविन जो है विटामिन 2 का रासायनिक नाम है एंड पाइरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। पाइरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, यानी कि बी ग्रुप के नाम है नियासिन, राइबोफ्लेविन एंड पाइरोडॉक्सिन, इसलिए ये तीनों सेम है, बट रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक
नाम है, इसलिए यह सबसे अलग है। एंड नेक्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से कौन अलग है, कौन अलग है दोस्तों, तो यहाँ पे टॉर्च, बर्लिन और कार्लडाइव। जैसा कि ओलंपिक टॉर्च सबसे पहले मशाल जलाया गया 1936 बर्लिन ओलंपिक में, और इसको जलवाने वाला था कार्लडाइव, तो ये तीनों एक से रिलेटेड हैं, ठीक है। ओलंपिक टॉर्च रिले की शुरुआत से है इसका संबंध तीनों का, बट म्यूसिन आपका इससे रिलेटेड नहीं है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज और, चारों में से अलग कौन है, तो यहाँ पे आपका है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग एंड अंडर वाटर एक्वा ट्रेनिंग एंड हाइपोक्सिक ट्रेनिंग। इन तीनों का संबंध ऑक्सीजन के प्रशिक्षण से है, बट टायर ट्रेनिंग का संबंध स्ट्रेंथ से है, इसलिए यह अलग है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे चारों में से अलग कौन है, तो दोस्तों बलबीर सिंह, वी भास्करन, लाल शाह बुखारी, ये सब के सब भारतीय हॉकी टीम, फील्ड हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, बट रूप सिंह नहीं रहे हैं, बट फिर भी ये भारत के महान खिलाड़ी थे, रूप सिंह ध्यानचंद के भाई थे, हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज और, चारों में से अलग कौन है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि दोस्तों बैटन एक्सलेशन जोन, बैटन टेक ओवर जोन, स्क्रेच लाइन, ये सभी चीज़ें आपका रिलेटेड हैं रिले रेस से, लेकिन यहाँ पे अलग कौन है ये छांटना है, तो ऑप्शन नंबर ख एक्सलेशन जोन, यानी कि एक्सलेशन जोन जो है को पहले रिले रेस में प्रयोग लाया जाता था, और बाकी का प्रयोग अब वर्तमान में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है, तो यहाँ पे कौन अलग है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक ऑफ बोर्ड यहाँ पे लंबी कूद वात्री कूद से है का संबंध है, अब बाकियों का संबंध एथलेटिक के शॉर्ट पुट, डिस्कस और हैमर थ्रो से है, ठीक है। रिटर्निंग लाइन, एक्सटेंडिंग लाइन और रिम, ये तीनों चीज़ों का प्रयोग होता है, रिम का प्रयोग डिस्कस थ्रो में होता है, एंड रिटर्निंग लाइन, एक्सटेंडिंग लाइन, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो आदि में होता है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है, तो यहाँ पे अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे अलग है स्टॉप बोर्ड क्यों अलग है, क्योंकि स्टॉप बोर्ड का संबंध शॉर्ट पुट से है, शॉर्ट पुट में स्टॉप बोर्ड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्टॉप बोर्ड का प्रयोग किस में होता है, तो शॉर्ट पुट में होता है। एंड बाकी का संबंध है पोल वॉल्ट व हाई जंप से है, तो यहाँ पे अपराइट बार लैंडिंग पिट, ये आपका पोल वॉल्ट व हाई जंप से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे कौन अलग है, तो यहाँ पे आपको छांटना है अलग कौन है, तो दोस्तों खो खो, 400 मीटर रेस, फुटबॉल, ये सभी में मोटर स्किल का प्रयोग हुआ है, यानी कि गति शक्ति सहनशीलता प्रयोग होता है, बट शूटिंग में नहीं होता, इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे आपको कौन अलग है यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे एथलेटिक्स ही सभी में लिखा है, बट सही रूप से लिखा गया है ऑप्शन नंबर ग राइट है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे कौन सा अलग है, ठीक है,
तो यहाँ पे है सोनीपत, कोलकाता, इम्फाल, ये सभी साई के रीजनल सेंटर हैं। बट इडुक्की जो है यह हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए बाकी से अलग है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि अलग कौन है, तो यहाँ पे देखना है कि सिजोफ्रेनिया, मेनिनजाइटिस, एटेक्सिया, ये तीनों के तीनों जो है मस्तिष्क की बीमारी से संबंधित हैं। यह मस्तिष्क की बीमारी है तीनों, जबकि डर्मेटाइटिस जो है वह चमड़ी के रोग से रिलेटेड है, इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे एक्सीफायर, अमेलियस, ये दोनों आपके एक्सीफायर जो है मस्तिष्क की हड्डी का नाम है। एंड यहाँ पे जी फायर है, एक्सीफायर नहीं है, सॉरी, ठीक है, क्या है, जी फायर है। तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आपका अलग हो जाएगा क्या, यहाँ पे अलग हो जाएगा मैलिस। मैलियस जो है ये कान का हड्डी है, और बाकी का संबंध चेस्ट यानी छाती के जो बोन होता है स्टर्नम से है। तो स्टर्नम के तीन भाग होते हैं, जिसमें पसलियाँ बारह बारह दोनों तरफ जुड़ी रहती हैं। स्टर्नम के मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जी फाइड तीन भाग होते हैं। तो मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जी फाइड तीन भाग होते हैं। तो यहाँ पे जी फाइड एंड मैनुब्रियम उसके भाग हैं, और स्टर्नम हड्डी का ही नाम है जिसके ये भाग हैं, इसलिए तीनों का संबंध स्टर्नम से है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है। तो दोस्तों अलग यहाँ पे कौन है, तो नॉर्डिक स्पाइक्स स्टूड जॉगिंग शूज। तो यहाँ पे नॉर्डिक अलग है, क्योंकि नॉर्डिक जो है जेलिन कंपनी है, और बाकी का संबंध फुटवियर यानी शूज से है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है इसमें अलग कौन है, तो यहाँ पे अलग है ओमेगा, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। उसके अलावा सभी न्यू बैलेंस, अंडर आर्मर, नाइक, ये सभी हैं आपके यूएसए यानी कि अमेरिका की कंपनी। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है पेस कैबस, जिसे क्ले फूट को कहते हैं, हमारे पैर के तलवे में बहुत ज़्यादा करो बन जाता है गाय के खुर जैसा, उसे पेस कैबस या क्ले टॉस कहते हैं। एंड बाउ लेग, जिसे जेनुवरम भी कहते हैं, जिसे घुटना बाहर की तरफ निकल जाता है। एंड फ्लैट फूट, जिसे चपटा पाँव कहते हैं। एंड पेस प्लैनस, ये फ्लैट फुट का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कौन अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे अलग दिख रहा है ऑप्शन नंबर ख, बाउ लेग। कौन अलग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ख, बाउ लेग, पैर की विकृति है, और बाकी पैर के पंजों की विकृति है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है। तो आपको देखना है चारों मांसपेशी का नाम है। तो लैटिमस डॉर्सी, जिसे हम रोइंग मसल्स भी कहते हैं, एंड स्विमर मसल्स भी कहते हैं, एंड पेक्टोरलिस मेजर, जो हमारे छाती पे होता है, वक्ष पे, जिसे हम थ्रोइंग मसल्स भी कहते हैं। एंड ये है सेरेटस एंटीरियर, जिसे हम बॉक्सर मसल्स कहते हैं। एंड घ है सेरेटस पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, आप सभी मांसपेशी के नाम के बारे में जान रहे हैं, उसके कार्य के भी बारे में जान रहे हैं, बट इसमें सूक्ष्म अंतर ढूंढना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटिमस डॉर्सी। क्यों? क्योंकि लैटिमस डॉर्सी शरीर के पिछले भाग, पोस्टीरियर हिस्से की पेशी है, और बाकी पेशी शरीर के अगले यानी कि एंटीरियर हिस्से की पेशी है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड,
यानी कि यहाँ पे जो बहु खेल चोट यानी इंजरी के बारे में दिया गया है, क्रैम्प, स्टिच, सॉरनेस एंड स्प्रेन। तो यहाँ पे आपका स्प्रेन अलग हो जाएगा, क्योंकि स्प्रेन यह है लिगामेंट के चोट है, जो लिगामेंट यानी जो हड्डियों के जोड़ने वाली लिगामेंट होती है वहाँ पे चोट लगती है, अत्यधिक खिंचाव होता है, तो उसे हम स्प्रेन कहते हैं। जबकि बाकी क्रैम्प, स्टिच, सोरनेस जो होता है वह विद्युतीय अपघटकों यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण होता है, कमी के कारण पेशी में चोट आती है, उसे हम क्रैम्प, स्टिच, सोरनेस कहते हैं। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कौन अलग है, तो यहाँ पे आपको देखना है बैटल डोर, स्ट्रिंग, हेड, फाइबर ग्लास। तो यहाँ पे फाइबर ग्लास जो है अलग है। फाइबर ग्लास का संबंध बास्केटबॉल, हॉकी, पोल वॉल्ट आदि से है, जबकि बाकी का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन, बैटल डोर, स्ट्रिंग, हेड, इस सब का संबंध है बैडमिंटन से। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा ऑड है। तो यहाँ पे कैरम, स्नेक लैडर, लूडो, ये तीनों एक समान है, सभी बोर्ड पर खेला जाता है। जबकि जो ब्रिज है वह ताश के पत्तों पर खेला जाता है, पत्तों का खेल है, जो अलग है। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि इन चारों में से अलग कौन है, विषम कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है थॉमस बॉक, जो IOC के वर्तमान अध्यक्ष हैं, कुबर्टिन, सोमरांच, ये सभी के सभी IOC के कभी ना कभी अध्यक्ष रहे हैं, रह चुके हैं, जबकि हेनरी डिडान नहीं है। हेनरी डिडान जो हैं वह ओलंपिक मोटो के पिता हैं, ओलंपिक मोटो की रचना इन्होंने ही किए हैं, CTS, LTS एंड 4TS का। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको छांटना है, जैसे कि इनिंग डिफेक्ट, बैक अटैक एंड फॉलो, इन तीनों का संबंध खो खो खेल से है, बट खो खो खेल से शब्दावलियाँ हैं, बट गोल्फ एक अलग खेल है, गोल्फ एक खेल का नाम है। एंड नेक्स्ट है, ब्राइट नेस्ट इज रिलेटेड इट, तो ब्राइट नेट एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, यन इज इक्वलिटी 11, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ टोटल लीग मैचेज प्लेड इन लीग टूर्नामेंट। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि कि लीग टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि लीग टूर्नामेंट दो प्रकार का है, सिंगल लीग एंड डबल लीग, जिसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। सिंगल लीग में ज्ञात करने का यहाँ पे सीधे लीग टूर्नामेंट कहा है, तो लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है, n n-1/2, ठीक है। तो n n-1/2, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका n n-1/2, ठीक है। तो n n-1/2, तो उसी पर क्या करेंगे आप, बैठा देंगे, ठीक है, उसी पर आप बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 minus 1/2, यानी कि 11 × 10/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 110/2, यानी कि यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 55। यहाँ की राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 55 मैच खेले जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रूल ऑफ टाई ब्रेक इन फुटबॉल इन ए सीक्वेंस। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा, गोल्डन रेड, कौन होगा, गोल्डन रेड। एंड नेक्स्ट है,
सडन डेथ नॉट रिलेटेड विद, यानी कि सडन डेथ किससे रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे फुटबॉल, खो खो, हॉकी इन तीनों से सडन डेथ रिलेटेड है, बट बास्केटबॉल से नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज फॉल्स, कौन इसमें से चारों में से एक फॉल्स यानी गलत कौन है, इफ नंबर ऑफ टीम आर 71 इन नॉकआउट, यानी कि यदि नॉकआउट टीम में, नॉकआउट टूर्नामेंट में 71 टीमें हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका गलत है। तो 71 टीमें हैं तो राउंड कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो राउंड आपका 7 राउंड होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर क राइट है। कैसे होगा 7 राउंड, 2 के पावर 7 होगा, 2 के पावर क्या होगा, 7 होगा, तो आपका आएगा 128, यानी 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, ठीक है। तो 128 में हम 71 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 57, यानी 57 बाई होगा यहाँ, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ख भी राइट है। तो राउंड कितना होगा, 2 के पावर में जितना रहता है उतना ही राउंड होगा, तो ऑप्शन नंबर क ख दोनों राइट है। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ है कि नंबर ऑफ मैच इन फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड को ज्ञात करने का सूत्र होता है n माइनस नंबर ऑफ बाई अपॉन 2, तो बाई कितना है 57, तो 71 में से 57 घटा दीजिए कितना होगा, 14 अपॉन 2 यानी कि 7, यानी कितने फर्स्ट राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे 7, ये भी राइट है। तो गलत कौन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ग आपका गलत हो सकता है। नंबर ऑफ फील, इफ नंबर ऑफ सुपर सीडेड टीम आर 84, ठीक है, ये आपका गलत है। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें चारों में से अलग कौन है, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 600 ग्राम जो जेवलिन का भाला फेंक का, महिला भाला फेंक का वजन होता है, महिला के लिए भाला का वजन 600 ग्राम होता है, पुरुष के लिए 800, तो यहाँ पे 600 ग्राम महिला भाला से रिलेटेड है। पेन होल्ड ग्रिप, रिटर्निंग लाइन, ये सभी चीज़ें हैं भाला फेंक से रिलेटेड। जबकि प्लांटिंग बॉक्स जो होता है, प्लांट बॉक्स जो होता है जिसपे से होके जंप किया जाता है, तो ये होता है आपका बांस कूद यानी कि पोल वॉल्ट से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे अलग है मन्नार केरला, ठीक है, आपका अलग है क्योंकि मन्नार केरला जो है मिसाई का हाई एल्टीट्यूड सेंटर है, ठीक है। मन्नार केरला में साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था, इसका केरला में मन्नार केरला में हाई एल्टीट्यूड सेंटर है, बाकी में UIM खेल मंत्रालय के शैक्षिक संस्थान है, जैसे ग्वालियर हो गया एंड गुवाहाटी हो गया एंड तिरुवनंतपुरम हो गया, तो UIM खेल मंत्रालय के शैक्षिक संस्थान है। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राजवर्धन सिंह राठौर शूटिंग से रिलेटेड यानी निशानेबाजी से रिलेटेड हैं, जो 2004 में निशानेबाजी में रजत पदक जीते हैं। एंड अभिनव बिंद्रा जो है 2008 में स्वर्ण पदक जीते थे निशानेबाजी में। एंड विजय कुमार 2012 में रजत पदक जीते थे निशानेबाजी में। ते राजवर्धन सिंह राठौर, विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा, तीनों निशानेबाजी से रिलेटेड हैं, जबकि लिएंडर पेस टेनिस से रिलेटेड हैं। इन्होंने ओलंपिक में 1996 में कांस्य पदक जीता, लिएंडर पेस। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग वन विच वन इज ऑड, यहाँ चारों में से अलग कौन है, तो कौन है चारों में से अलग, तो दोस्तों यहाँ पे अलग है एलियन IPE ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर,
मध्य प्रदेश में जो है यह संस्थान जो है युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और बाकी जितने हैं ये तीनों के तीनों आते हैं मानव संसाधन के अंतर्गत और राज्य के विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। GNDU अमृतसर एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड स्वर्णिम गुजरात। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे चारों में से अलग कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे डिग्री, जॉकी, एरेना, इन तीनों का संबंध है इक्वेस्ट्रियन खेल से, जबकि पिस्टे का संबंध है फेंसिंग से, तलवारबाजी से। तलवारबाजी यानी फेंसिंग के मैदान को पिस्टे बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है, आपको देखना है कौन इन चारों में से अलग है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखना है कि ACE टेनिस से संबंधित है, वॉक आई टेनिस से संबंधित है, स्टेफी ग्राफ भी आपका टेनिस खेल से संबंधित है, जबकि माइकल फेल्प्स जो है वह तैराकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2008 में 8 गोल्ड मेडल तैराकी में प्राप्त किया था। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मोस्ट टायर्ड, इनकास, टेम्पोरल, ये तीनों के तीनों हैं आपके खोपड़ी की हड्डी, बट प्यूबिस जो है यह कुल्हे की हड्डी है, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे खेल ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना है रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये तीनों क्रिकेट से रिलेटेड है, जबकि सुब्रतो कप जो है वह फुटबॉल से रिलेटेड है, इसलिए यह तीनों से अलग हैं। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन अलग है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे डंक सूट अलग है। डंक सूट जो है यह बास्केटबॉल का शॉट या बास्केट करने का एक तरीका है, एंड बाकी का संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है, क्योंकि यहाँ पे केरला जो है वॉलीबॉल, केरला का मुख्य खेल वॉलीबॉल है, एंड श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल है, ये तीनों हैं वॉलीबॉल से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपका 8 सेकेंड रूल्स, टो अप, बैकबोर्ड एंड ले अप, तो 8 सेकेंड रूल, ले अप, बैकबोर्ड, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं बास्केटबॉल से, जबकि टो अप का संबंध किसी खेल से नहीं है। एंड नेक्स्ट है विड्थ ऑफ लेन इन ट्रैक, यानी कि ट्रैक के जो लेंथ होता है, लेन होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो जो ट्रैक होता है उसकी लेन की चौड़ाई होती है कितनी होती है, 1.21 से 1.23 मीटर, ठीक है, 1.21 से 1.23 मीटर, यानी कि 1.22 होता है। एंड नेक्स्ट है प्लास्टिसाइन इंडिकेटर का यूज किस में होता है। दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड में होता है, जिससे कि यहाँ पे लॉन्ग जंप में होता है। नेक्स्ट है टूर द फ्रांस रिलेटेड विद, तो टूर द फ्रांस किससे रिलेटेड है। तो यह टूर द फ्रांस जो है साइकिल रेसिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। टूर द फ्रांस रिलेटेड विद किससे रिलेटेड है, साइकिल रेसिंग से। एंड नेक्स्ट है लेंस आर्म स्ट्रांग रिलेटेड विद, लेंस आर्म स्ट्रांग किससे रिलेटेड है, तो यह है साइकिलिंग से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। एंड नेक्स्ट है
कुनेरू हम्पी कौन से गेम से रिलेटेड हैं? तो कुनेरू हम्पी जो है चेस यानी शतरंज के खिलाड़ी हैं। एंड नेक्स्ट है कैरेट यूज्ड इन विच गेम, कैरेट किस गेम में यूज होता है? यह हॉकी में यूज होता है। एंड नेक्स्ट है स्विनिंग लेग रिलेटेड विद, यानी कि लेग यानी पैर को हवा में स्विंग करते हुए किस में किया जाता है इन चारों ऑप्शन में? तो ट्रिपल जंप में किया जाता है, ट्रिपल जंप में पैर को हवा में स्विंग करते हुए जंप किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी फेज इज रिलेटेड विद विच टेक्निक, टी फेज किस टेक्निक से रिलेटेड है? तो पैरी ओब्राइन, किससे? पैरी ओब्राइन जो आपका शॉट पुट की टेक्निक है गोला फेंक की। एंड यहाँ पे जो दिया है हिचकिक टेक्निक आपका रिलेटेड है लॉन्ग जंप से, फास्टबरी फ्लॉप, हाई जंप से एंड डिस्को पट शॉर्ट पुट से, यानी टी फेज यहाँ पे बुला है इसलिए पैरी ओब्राइन होगा। एंड नेक्स्ट है बुज कसी रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि बुज कसी किस गेम से रिलेटेड है? तो हॉर्स से, किससे है? घोड़ा रेस से रिलेटेड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पिचर इज रिलेटेड विच गेम, पिचर इज रिलेटेड विच गेम, यानी कि पिचर किस खेल से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से रिलेटेड है, किससे? बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू। आपको थोड़ा कठिन जरूर लगता होगा बट एक भी कठिन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप सभी इसको पढ़े होंगे, ध्यान से देखेंगे। एंड जितना आप कठिन लेवल के क्वेश्चंस हल करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा क्वेश्चंस हल करने में। आप कठिन लेवल के हल करेंगे तो सरल लेवल अपने आप हल हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।